वहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कुठियाल ने कहा है कि पिछले 21 सालों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लचर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार कितने ही झूठ बोलकर अपनी झूठी साख बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन समय समय पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी लापरवाही सामने आती रही है। साथ ही कहा कि ये सरकार उत्तराखंड की जनता के साथ और उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो भी तब जब राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं खुद वेंटिलेटर पर हैं। पलायन जो कारण बन रहे हैं पलायन के, पहाड़ों से लोगों के जाने के, उनमें एक मेजर मुद्दा है, वो है हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए सरकार को, जनता को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सपोर्ट देकर के सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उत्तराखंड आज पूरे इंडिया में वो राज्य बन गया है जो सबसे कम स्वास्थ्य की तरफ अपना खर्चा करता है, 6.8% अपने जो एनुअल राजस्व है। हमें आज फॉरवर्ड पॉलिसी बनानी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो पहाड़ में रिमोट एरियाज में भी अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे इवैक्यूएशन, यहाँ पे मूवमेंट बड़ा मुश्किल है। एयर एम्बुलेंस खाली वीआईपीस के लिए नहीं होनी चाहिए, एयर एम्बुलेंस एक आम इंसान के लिए एकदम से अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे जो है अगर स्वास्थ्य को आम आदमी पार्टी आएगी तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रूव कर रखा है दिल्ली में हाई क्वालिटी स्वास्थ्य जगह जगह पे ग्राउंड पे जाकर के प्रोवाइड करना, वो हम लोग अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके साथ में आज सरकार की जिम्मेवारी है कि वो स्वास्थ्य के मुद्दे को फोकस अगर नहीं करेगी तो पलायन तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि फिर उसके बाद रिवर्स भी नहीं हो सकता, लेकिन आगे जो डेंजर्स होते हैं डिजास्टर की वजह से या हो सकता है कोविड की वजह से, उसमें बहुत बड़ा नुकसान।